के पकोड़े के साथ साथ मिर्ची भी तल देते, अच्छी लगेगी। जीजी बन गया क्या? पकौड़े बने? नहीं, अभी बाकी है। सुमा, आखिरी वक्त पे वो गोबर कवार मुड़ गई, वरना आज तेल में तली हुई मिलती। लेकिन एक बात का डर है, उसने मुझे वहां से भागते हुए देख लिया। अरे ओ गांव की गैया है गैया, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम्हारा। और अगर बिगाड़ने को आएगी भी ना, तो हम उसको अपने पैर की जूती के नीचे ऐसे ऐसे कुचल देंगे। उनका है ना कि हम ही घर के बड़े हैं, वार्षिक का तो हमरा ही चलेगा। भूल गए, अभी आपका हाथ पकड़ के। अरे केछुए की तरह का मुंह बना रही हूँ, का देख रही है? का हुआ बोल। ये तो वही कढ़ाई है। रुक जा बिटिया रानी, रानी बिटिया, इसमें कहा है बिटिया रानी? उसी से पूछ लीजिएगा ना, जिसे इससे जलन होने वाली है। देखो नंदिनी बेटा, हम तुम्हारी चाची सास हैं। ये मत डालो हमें प्लीज। तू ठीक है ना? दिखा। अरे चंटो, तू अपनी अकल का घुटने में बांध के रखी है क्या? चाची सास के साथ ऐसी हरकत करने को जा रही थी? हमारा एक उसूल है, प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत। अब हमारी चाची जी हमें जलाने की कोशिश करेंगी, तो हम सूद समेत वापस तो करेंगे ही ना? गेहूं का उधार नहीं रखते हम। और हाँ, आईना नई बहू को सताने के बारे में सोचेगा भी मत। गांव के लेकिन बैल बुद्धि नहीं है, समझे? कि और गहराई से समझाएं। समझ गए, समझ गए। श्रीराम।
अगर तुम्हें अपनी दादी का आशीर्वाद और अमेरिका जाने के लिए हामी चाहिए तो तुम्हें नंदू को नंदिनी बनाना होगा। जिस लड़की को तुम गवार कहते हो ना, उसे पढ़ लिख कर सक्षम बनाना होगा ताकि वो जिंदगी में लाचारी में मुंह ना उठाना पड़े। दादी ने मुझे कहां फंसा दिया यार? इस बेवकूफ को कोई कैसे पढ़ा सकता है? देखो अभी जैसा मैंने बताया ना वैसे ही पढ़ना, चलो। हाँ अब अरे मुख तो सीधी पकड़ो कम से कम। पढ़ो। अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बीपर, बी फॉर बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दस दस एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, एफ फॉर फालतू का एप्पल। बस जी चुप। पर अभी तो एप्पल खत्म ही नहीं हुए अंग्रेजी हीरो। ये गवार मेरी जान लेने की, करूं तो करूं क्या? इसे पढ़ाए बिना दादी मुझे जाने के लिए आशीर्वाद भी नहीं देंगे। इस कमार में इतना दिमाग ही नहीं कि मैं इसको पढ़ा सकूं, कुछ समझेगी नहीं है। कहां फंस गया यार मैं? खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है जीजी। अरे आप यहाँ कहाँ बैठ गई? आप वहाँ जाइए ना टेबल पर, सारे बड़े लोग वहीं बैठकर खाना खाते हैं। आप भी जाइए टेबल पर बैठिए, हमारी जगह यही है। सब लोग वहाँ बैठ के खाना खाते हैं? अच्छा, मतलब ये ससुराल का नियम है तो हम भी ऊपर बैठकर ही खाएंगे। जानती है हमें नानू कहते थे कि नंदू ससुराल में जाकर बिल्कुल पानी की तरह बन जाना, जैसे ससुराल के बर्तन का आकार होगा वैसे ही बन जाना। आप भी चलिए ना हमारे साथ ऊपर। नहीं नहीं जी, आप जाइए, आप वहाँ टेबल पर बैठ के खाइए, हम यही खाते हैं। जाइए। ये सब देख के तो आकाश को नंदू को गवार बुलाकर अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा। लड़की ये सब क्या? ए लड़की नहीं, नंदिनी नाम रखा है हमने नानू ने हमरा। आप लोग चाहे तो प्यार से नंदू भी बुला सकते हैं। प्यार से मैं तुम्हें नंदू बुलाना ही नहीं चाहती, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बुलाना चाहती। और तुम्हारे नानू ने नंदू पंदू चंदू जो भी नाम रखा है तुम्हारा, ऐसे बैठ कर कोई खाता है क्या टेबल पे? आप लोग ही तो खाते है ना। बारी दीदी ने बताया कि आप सब यहाँ ऊपर बैठकर ही खाते। सौ बैलों से भी ज्यादा बुद्धि है तुम्हें नंदू। देखो देखो सन, ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और ऐसे टेबल पे बैठे हुए तो बिल्कुल भी नहीं लगते। देखो बाली दीदी के, बाली दीदी का मतलब था कि
ऐसे प्लेट को टेबल पे रखना है और खुद चेयर पे बैठना है, समझी? ऐसे खाते हैं, इस पे रख के। चलो अभी वहां बैठो। वो गोबर गवार टेबल पर चढ़ के बैठ गई। बहुत ही बढ़िया है। अरे हमको तो मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़ी। ये बुड़बुड़ ऐसी हरकतें करती रही ना तो आकाश खुद ब खुद इससे नफरत करने लगेगा। अरे नहीं बड़ी दादी, आकाश ने नफरत से नहीं बल्कि प्यार से समझाया। टेबल पर नहीं कुर्सी पर बैठकर खाती हैं। आकाश ऐसा संत आदमी कब से बन गया? कहीं उसने सुमित्रा दादी का जूठा पानी तो नहीं पी लिया? अरे ये टेबल वेबल छोड़ो, आज शाम को ना छोटी दादी ने ना आकाश भैया और नंदिनी के रिसेप्शन के लिए ना पार्टी का आयोजन किया है। ना जाने अब सारे मेहमानों के सामने भारद्वाज परिवार की क्या इज्जत उतारेगी ये लड़की। हम तो चाह रहे हैं कि इज्जत उतार ही ले, जब तक ये चंटो मैया उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगी ना, कसम से हमको तो शांति नहीं मिलने वाली। हम तो चाहते हैं कि ये उल्टी हरकत करे और सब मेहमानों के बीच में सुमित्रा की इज्जत कचरा हो जाए। बस फिर गए, आकाश पहली फ्लाइट पकड़कर अमरीका भाग जाएगा। दादी मुझे कुछ बात करनी है। दादी देखिए, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना नहीं, इसलिए मैंने फैसला कर लिया दादी, मैं नंदिनी को पढ़ाऊंगा। सच? इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। ना तुम सिर्फ नंदिनी को काबिल बना रहे हो पर तुम खुद को भी हमारी नजरों में काबिल बना रहे हो। हाँ दादी वो सब ठीक है लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? देखिए मैं नंदिनी को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि नंदिनी खुद काबिल नहीं बनना चाहती उस दिन आप मुझे खुशी खुशी अमेरिका वापस भेजेंगे। अरे नहीं आकाश, ऐसे नहीं होगा। मुझे पता है नंदिनी जी जान से पढ़ाई करेगी। देखते हैं। भगवान जी, आपने सिर्फ आकाश को सद्बुद्धि ही नहीं दी लेकिन आपने उसे और नंदिनी को एक जीने का एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे पूरा यकीन है नंदिनी की पढ़ाई आकाश और नंदिनी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। बाली जी। मालकिन वाली, आज आकाश और नंदिनी की शादी की पार्टी है, तैयारी शुरू करो। जी मालकिन। आकाश, तुमको ये लगता है कि हम तुमको रोक रहे हैं लेकिन नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी देना चाहती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देगा
और मुझे पूरा यकीन है कि नंदिनी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। सुमित्रा जी, आपकी छोटी बहू नहीं दिखाई दे रही है, जरा बुलाइए तो उसे। हाँ बस वो देखिए आ ही रही है। ये दादी की खुशी के लिए अपने खुशियों को मार के न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी। बैठो आकाश, बैठो बेटा, बैठो। ये इन्होंने इतनी सारी लस्सी कहाँ बनवाई है? अरे ऐसे देख क्या रही हो, जो लस्सी रखती है ना आगे, भारद्वाज परिवार की नई बहू को आधी लस्सी पीनी होती है खुद और आधी पिलानी होती है दूल्हे को, ताकि सभी मेहमानों के सामने ये साबित हो सके कि तुम एक योग्य बहू हो। समझी ना? ठीक है, तुम ये साबित करेंगे कि हम योग्य बहू हैं। हाँ। ये है भारद्वाज परिवार की सबसे छोटी बहू नंदिनी। आकाश, आकाश की धर्मपत्नी नंदिनी, भारद्वाज परिवार में तुम्हारा स्वागत है। चलिए चलिए, बस हो गया, बहुत हो गया, रस्म शुरू करें। हाँ? बिल्कुल। अभी गुलाबी लस्सी पीने की आपकी बारी।
पहले से गवार बहू लाई है ये, एकदम बुद्धू। कहीं पागल लड़की से तो शादी नहीं कराई सुमित्रा जी ने अपने पोते की। इतनी कॉमन सेंस तो एक पागल में भी होती है। ये दूध पीने के लिए नहीं, अंगूठी ढूंढने के रस्म के लिए था, तुम उसे भी पी गई। गवार की गवारी रहोगी तुम। हमें लगे पीने के लिए होता है, और छोटी मामी ने भी हमसे यही कहा था। उन्होंने हमसे कहा था कि नई बहू को अपनी योग्यता साबित करने के लिए पीना पड़ता है, इसलिए हमने ये साबित करने के लिए पिया कि हम गांव से है, योग्यता की कमी हम में नहीं है। हमने बस खुद को योग्य बहू साबित करने के लिए पिया था, और अगर ज्योती मामी नहीं बोलती तो हम नहीं पी पाए। ए लड़की, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, हमने कब बोला तुम्हें? छोटी दादी, ये झूठ बोल रही है, हमने सच में कुछ भी नहीं कहा इसे। हमारी जैसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें तो मेहमानों के सामने आपको बेइज्जत नहीं होने देंगे। ऐसे मत चाहिए, कुछ रुक चाहिए ना। तुम्हें पता है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, तुम गवार की गवारी रहोगी। तुम कमार की कमारी रहोगी। यही फर्क होता है एक गांव की लड़की में और एक शहर की लड़की में। पता नहीं क्या सोचकर सुमित्रा देवी जी ने अपने पोते की शादी इस गवार के साथ करा दी। बेचारे आकाश की तो पूरी लाइफ ही खराब हो गई। सुमित्रा जी, अगर आकाश की शादी यही करानी थी तो यहाँ पे इतनी सारी पढ़ी लिखी लड़कियां थी, आपको बस ये गवारी मिली। हटिए, बच्चा ऊपर से गिर जाएगा अगर उसे पकड़ा नहीं तो। गांव की गवार ने इस बच्चे को बचा के जो काम किया है, उसके बाद वो सबके सामने हीरोइन बन जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ वो देख के घर के सभी लोग पूरी तरह से तंग रह जाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।